हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अभी डिस्कस करेंगे ओहम्स लॉ, जो क्लास 10 और क्लास 12 दोनों के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सपोज करें मेरे पास एक मेटालिक वायर है और आपको पता है इस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे होते हैं। अगर मैं इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी इस तरीके से दूं कि एक पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन में मूव करें, तो हम लोग इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलना शुरू कर देते हैं। अब वो एनर्जी देने के लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, या तो एक सेल यूज करना पड़ेगा या फिर एक बैटरी यूज करनी पड़ती है। सेल या बैटरी के दो टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। सपोज कर ले आपने सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो यहाँ पे कनेक्ट किया है और नेगेटिव टर्मिनल इस एंड से कनेक्ट कर दिया। इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है तो इसीलिए वो पॉजिटिव की तरफ मूव होंगे या पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन हमारा ऐसे इस डायरेक्शन में मूव करेगा। डायरेक्शन ऑफ करंट ऑपोजिट होती है, करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। अब ओहम्स लॉ ने क्या सजेस्ट किया है, उन्होंने क्या देखा कि जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करते हैं, यानी कि एनर्जी जो सप्लाई हो रही है वो इंक्रीज करते हैं, तो जो करंट फ्लो हो रहा है वो भी इंक्रीज हो जाता है, और जितना हम लोग वोल्टेज इंक्रीज करते हैं उसी प्रोपोर्शनल में करंट भी इंक्रीज करता है। तो वी कैन से वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, आई मीन्स करंट, और इसको प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हटाने के लिए एक कांस्टेंट यूज किया गया है जिसे कैपिटल आर यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर बोलते हैं। तो ये लॉ तब एप्लीकेबल है जब हमारे फिजिकल कंडीशन जैसे कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। मतलब अगर हमने एक्सपेरिमेंटल टेम्परेचर चेंज कर दिया तो फिर यहाँ पे जो वैल्यू है आर की वो कांस्टेंट नहीं रहेगी, वो वाली वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई और वी इज इक्वल टू आई आर। तो ये हमारे पास ओहम्स का लॉ है, जो कैपिटल आर है वो रेजिस्टेंस है और उसकी यूनिट ओहम होती है। तो ये था आपके पास ओहम्स लॉ कि पोटेंशियल इंक्रीज करोगे आप लोग, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे तो करंट भी उसी रेशो में इंक्रीज करेगा उस वायर या फिर उस सर्किट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।